नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो ये जो दोनों बुक हैं ये है आपकी सोशियोलॉजी की और ये भी आपकी सोशियोलॉजी, इट मीन्स दोनों बुक ये जो ट्वेल्थ क्लास की बुक हैं यहाँ पे लिखा हुआ, अभी देखो तो मैं इनका आज रिव्यू करूँगी और ये बताऊँगी कि इन दोनों जो बुक्स हैं इनकी क्वालिटी क्या है और ये बुक्स आपको कहाँ पर मिलेंगी, इनकी कॉस्ट क्या है, इनका कंटेंट देखूँगी और ये लैंग्वेज कैसी है इनकी, क्योंकि ये जो दोनों बुक्स हैं सोशियोलॉजी की ट्वेल्थ क्लास की ये आपके जो जीएस पेपर फर्स्ट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सोशियोलॉजी जैसे आप ऑप्शनल ले रहे हो, जूलॉजी ऑप्शनल ले रहे हो मेंस के लिए, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है एज अ बेस, आपका बेस स्ट्रांग करती है ये। तो ये दोनों बुक्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपके सामने रिव्यू करूँगी इनका, ठीक है? तो मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले ये जो क्लास ट्वेल्थ की है इस पे लिखा है इंडियन सोसाइटी, तो मैं सबसे पहले इसके कंटेंट की बात कर लेती हूँ, ठीक है? आपको कंटेंट में जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसका देखो कंटेंट है, इसमें ये कंटेंट दिया हुआ है। इसमें देखो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी क्या है जो आपके इंडिया में है, ये इसका कंटेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है? सेवन चैप्टर है सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क और सिक्स चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। फिफ्थ है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूशन और मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर है सोशल इंस्टीट्यूशन और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ये आपके क्या है, इसका कंटेंट है ये जो बुक है, ठीक है? फिर ये इसका फ्रंट पेज है। तो इसमें हम ये देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। मैं अब इसको ना आपकी लैंग्वेज दिखा देती हूँ, इसकी लैंग्वेज कैसी है इस वाली बुक की। देखो लैंग्वेज देखो, इसकी लैंग्वेज अच्छी है और बहुत इजी लैंग्वेज है, ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। इन वन इम्पोर्टेंट सेंस सोशियोलॉजी इज अनलाइक एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू मे हैव हैंड एंड सब्जेक्ट। इट इज़ सब्जेक्टेड इन विच नो वन कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एवरी वन ऑलरेडी है नाउ नोज समथिंग अबाउट सोसाइटी। तो इजी लैंग्वेज देखो, तो ये इसका जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका, जो मैं आपको पढ़ के दिखा रही थी। देखो तो मतलब आसान है और आपको समझ में भी आ जाएगी ये वाली बुक, है ना? तो मतलब कोई भी मुश्किल नहीं है इसको पढ़ना। और देखो डायग्राम भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इसकी जो पेज क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी कॉस्ट भी बताऊंगी आपको कैसे मिल जाएगी। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया देखो। और इसकी मैं बैक की बात करूँ, ये बैक है देखो, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट मीन्स ये एनसीईआरटी के फुल फॉर्म है, इसका मतलब ये एनसीईआरटी की बुक है, दोनों एनसीईआरटी की बुक हैं। और ये दोनों आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, अमेजोन पे भी मिल जाएंगी, ठीक है? उनका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यूट्यूब जो मतलब मेरे चैनल है, चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक दिया हुआ, वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये बुक निकल के आ जाएगी, तो वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। दोनों बुक्स का मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है? तो इसकी अगर कॉस्ट की बात करूँ, इस पर देखो 105 रुपये इसकी कॉस्ट ली यहाँ पे देखो लिखी हुई है, लेकिन ये आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। और ये बिल्कुल दोनों जो बुक्स हैं ये दोनों बुक्स बिल्कुल सेम कॉस्ट हैं, इनकी जो साइज़ भी बिल्कुल बोल सकते हो कि मतलब सेम ही है, और इनकी जो क्वालिटी है पेज क्वालिटी दोनों की बिल्कुल ही सेम है, लेकिन कंटेंट अलग है इसमें। अब मैं इसका कंटेंट दिखा देती हूँ आपको। यहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस और कल्चरल चेंजेस, स्टोरी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, फिर है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल, ये इसका कंटेंट है जो मैं दिखा रही हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे। ये सोशल मूवमेंट कैसे हुए उनके बारे में, मास मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में, ये ग्लोबलाइजेशन और सोशल चेंजेस के बारे में, चेंज एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये चैप्टर्स आपके इस बुक में जो है कंटेंट है, ठीक है? ये भी आपको 105 रुपये में मिलेगी, ये यहाँ पर भी देखो, यहाँ 105 रुपये इसका रेट लिखा हुआ भी है। तो ये 100 रुपये में आपको दोनों जो है मिल जाएंगी। तो ये टोटल ये 200 रुपये में मिलेंगी, 100 इसका 100 इसका, तो 200 हो गए। तो अब ये बुक देख लेते हैं, इसकी भी देखो पीछे बैक देखो यहाँ पे भी, और आप ये जरूर देख लेना पीछे ये जो है एनसीईआरटी के फुल फॉर्म लिखी होनी चाहिए, वरना ये मतलब समझ लेना कि दोनों बुक जो है एनसीईआरटी की नहीं है। तो ये आई होप आपको ये दोनों बुक्स पसंद आई होंगी, और इनको पढ़ना बहुत ही ईजी है, ठीक है? आपको आसानी से ये फ्लिपकार्ट ऑफलाइन भी जो कि ये मतलब मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ से भी इन दोनों बुक्स को आप खरीद सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई एक बुक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।
ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने से आप तक मेरी जो सारी वीडियोज़ हैं अपलोड होने के बाद वो अपने आप आपके आप तक वो पहुँच जाती हैं। तो इसके लिए थैंक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।